चलो मेरे साथ, देखती हूँ किसमें इतनी हिम्मत है तुम्हें रोकने की। कदम ना बढ़ाना आगे, वरना अंजाम ठीक ना होए। आओ आओ आगे और रोक के दिखाओ अगर हिम्मत है तो। मैं भी एक राजपूत की बेटी और पत्नी हूँ। लानत है तुम लोगों पर अगर यहाँ के राजपूतों ने कमजोरों की मदद करने का अपना धर्म भुला दिया है तो हम राजपूतनी भी लाठी उठाना जानती हैं। अरे धुंधले, अरे अपने को मर्द कहते हो? जिस माता के दर्शन करने से तुम इस औरत को रोक रहे हो ना, वो माँ आज पछता रही होगी कि मैंने किस तरह के बच्चों को जन्म दे दिया। मैं भी देखती हूँ कैसे तुम इसे चामुंडा माँ के दर्शन के लिए रोक सकते हो। चलो तो लो, डर मत तू, चल बेटा चल, आजा आजा। अरे रोको ही नहीं, ये तुम अच्छा नहीं कर रही हो, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अरे धवने, तू अपने घर से चूड़ियां पहन के आएगा या मैं अपने हाथ की उतार के दे दूं? जो करना कर ले, जाओ बेटा, तुम लोग माँ की पूजा आराधना करो, मैं देखती हूँ उन्हें। जाओ तुम, डरो मत, जाओ। हे माँ, एक माँ की तकलीफ को तुझसे ज्यादा और कौन समझेगा? ये एक माँ की पुकार है माँ, उसे उसकी बच्ची से मिलवा दो माँ। सेठ का आदमी ना आया चलान लेके। तू एक काम कर, प्रसाद लिया मंदिर से खाते हैं। मैं कैसे जा सकता हूँ मंदिर, मैं तो छोड़ यार, चल चाय पीते हैं, आजा। अरे भाई जी, ये लोग मंदिर नहीं जाने देते, कोई बात नहीं, प्रसाद तो लेने दो। बहुत बदमाश हो गया तू। अच्छे हुए ना दर्शन, चल चल। मारे मारो
साले अपना ट्रक का सीट बिना अजीब है यार। एक तो वैसे ही टाइम हो लिया, ऊपर से पता नहीं किसके हाथ में चलान देख के भेजा है यार, अभी तक ना आया। फिर कहता फिर माल टाइम से नहीं पहुंचता, टाइम से नहीं पहुंचता, कैसे पहुंचेगा टाइम से यार। अरे अब क्यों रो रही है, चल अच्छा मजा चखा उस पर्वत सिंह को। भाई साहब आज मैंने पता चला मैं गरीब लोगा कीड़ा मकोड़ा नहीं है, हम भी इंसान हैं, हमारे वास्ते भी कोई कोई खड़ा हो सकता है, वरना छोटी जात छोटी औकात को पूछे कौन है। ऐसा मत कहो, तुम भी तो इंसान हो, इंसानियत जात और हैसियत से कहीं ऊपर होती है। मैंने वही किया जो मुझे ठीक लगा। वैसे क्या हुआ है तुम्हारे बच्चे को? मारा पति मारी बच्ची से चिढ़ता था, मारे पीछे से छोड़ आया किसी ट्रक में, पता नहीं इस जीवन में उसका मुख देख भी पाऊंगी कि नहीं। तुम परेशान मत हो, ईश्वर एक माँ को उसके बच्चे से कभी अलग नहीं रहने देंगे, तुम्हारी बच्ची जल्द तुम्हारे पास आएगी। तुम्हारा और मेरा दुख एक ही है, मेरी बेटी भी मुझसे अलग हो गई है, लेकिन मैंने आस नहीं छोड़ी है, ईश्वर पर भरोसा है मुझे। देखना बहुत जल्द हम दोनों के बच्चे हमारे पास होंगे, तुम मेरे लिए प्रार्थना करना, मैं तुम्हारे लिए करूंगी। धैर्य रखो बेटा, माता के दरबार से कोई भी खाली हाथ वापस नहीं जाता। इसे संभाल कर रखना, जल्दी तुम्हारी कामना पूरी होगी। एक मामूली चालान लाने में इतना टाइम लगता है क्या? ये तुम्हारी सावरी की आवाज है, सावरी सावरी सावरी। अरे ट्रक रोको, अरे भाई मारी बच्ची लेकर ले जा रहे हो। माँ चामुंडा साची है तेरा दरबार, द्वार पे आते ही तूने हमारी पुकार सुन ली, उस ट्रक की पहचान बता दी। अब मैं हमारी सावनी से मिल सकती हूँ, मैं बटीने ढूंढ सकूं। जय चामुंडा माँ। दीदी आजकल बहुत परेशान, अपनी बच्ची को पागलों की तरह इधर उधर ढूंढ रही है। आखिर माँ है, अपने बच्चे के भविष्य की चिंता तो होगी जैसे कि तुम्हें है।
रागिनी, मैं जानता हूं तुम्हें निकिता के भविष्य की चिंता है। क्यों ये घर छोड़कर जा रही हो? क्या कमी है तुम्हें यहाँ पर? कम से कम निकिता के बारे में तो सोचो। नहीं साहब, सलोनी दीदी और मेरे हालात में बहुत फर्क है। यहाँ निकिता के भविष्य के लिए जरूरी है कि मैं चली जाऊं यहाँ से, क्योंकि साहब अगर मैं नहीं गई ना तो निकिता कभी अपने दिल में आपको और कावेरी दीदी को माँ बाप की जगह नहीं दे पाएगी। देखो गिनी, अगर तुम्हें लगता है कि कावेरी कुछ कहेगी तो फिक्र मत करो, क्योंकि मैं अपनी कही हुई बातों पर बहुत शर्मिंदा। और मैं आपसे इस बारे में कई बार माफी भी मांग चुकी हूँ। अगर मैं आपकी जगह होती ना तो शायद मैं भी वही करती जो आपने किया। अब मेरा यहाँ से जाना ही ठीक रहेगा। पर दीदी, जाने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आप समर साहब पे कभी शक मत कीजिए, ये आपको बहुत चाहते हैं। जानती हूँ, समर पर शक करके मैंने जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की है। समर चाहे मुझे माफ भी कर दे, पर मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। क्या हुआ सलोनी, तुम रो क्यों रही हो? सलोनी चादर ओढ़ लो, तुम्हें ठंड लग जाएगी। प्लीज नाहर, हमारी बेटी को भी ठंड लग रही होगी। कहाँ होगी वो, कैसी होगी, पता नहीं उसके पास कोई चादर उड़ाने वाला भी होगा कि नहीं। कैसी होगी हमारी बेटी ना? अरे शीशा चढ़ा यार, ठंड लग रही है। हे माताजी महाराज, इस माँ की विनती सुनना। मेरी बेटी को हर तकलीफ से, हर मुश्किल से बचाना, उसकी रक्षा करना। हे माँ, अगर मैं माँ हूं तो आप भी जगत माता के नाम से जानी जाती हैं। आज एक माँ अपने बच्चे के पास नहीं है, अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने ममता के आंचल को फैलाओ और उसे ढक लो। रोना लगा रखे यार, दूसरा गाना लगा। फिर वापस रोना ना। गंगा भाई जी बन के आओ। किधर से आ रही भाई जी? अरे पीछे से आ रही है, चल देख 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 चढ़ गए। ओ साला,
ये बच्चे इधर कहां से आ गया? मरने के बता किससे आ गया? कौन जाने, अब क्या करे भाई साहब इसका? अरे आगे ढाबे में देखेंगे, उतर लीजिए आगे से चादर लेके आ, बच्चे ने ठंड लग रही है। लो 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 लो। अभी देखो शंभू चादर लेके आएगा, ठंड लग जाएगी तेरी। शंभू आया भाई जी। गोली खा रखी के मार ढोते बाद ध्यान कहा था ना? अरे मार के साथ इंसान का बच्चा कहाँ लेटा पकड़ा? मारे पे क्यों बिगड़ रहे भाई जी? अरे तो क्या छोरी ने पूछू, माता रानी का शुक्र अदा कर के गाड़ी में छोरी मिली है, किसी ने गोला बारूद बम रख दिया था तो एक काम भी ढंग से ना कर सके निकम्मा। पता नहीं कैसे माँ बाप है इसके, पैदा करती है ट्रक में छोड़ दिया। अरे फेंकनी है तो जन्म क्यों देते हैं? भोर होने लग रही है और बिजलपुर भी ज्यादा दूर ना है। शहर के बाहर बहुत सारे ट्रक खड़े हैं, उनमें से किसी एक ट्रक में डाल देंगे भगवान भरोसे। ठीक है कैसी होगी, इस ठंड में क्या हाल होगा उसका।